ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए हुए पंजाब के पूर्व फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु को आज फिर से जलंधर कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिर से आशु की रिमांड के लिए 5 दिन के लिए उसे बढ़ा दिया है। हालांकि ईडी के द्वारा कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। आपको यह भी बता दें कि 1 अगस्त को ईडी ने पूछताछ के लिए आशु को बुलाया था और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अब आशु के करीबियों को भी जांच शुरू की है उनकी, और बाकी के लोगों की सूची तैयार कर ली गई है। इसी बीच ईडी को आशु और उसके करीबियों के खातों में विदेशी लेन देन का भी पता चला है। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, 5 ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਿਟਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਈਡੀ ਦੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਰਿਪਲਾਈ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਓਨਲੀ ਸਿੰਸ ਦ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਆਲ ਦ ਵਿਊਜ਼ ਇਨ ਦ ਪਬਲਿਕ। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज संसद में करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर ननकाना साहिब गुरुद्वारे के लिए कॉरिडोर बनाने की मांग की है और सदन में इस मांग को उठाया है। साथ ही दोनों ही देशों की सरकारों से इस मुद्दे पर विचार करने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारा सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसकी अमृतसर के अटारी बाघा बॉर्डर से दूरी है लगभग 140 किलोमीटर और लाहौर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हर साल भारत से सैकड़ों श्रद्धालु ननकाना साहिब और अन्य गुरुद्वारों में प्रकाश पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। कि अमृतसर के वागी अटारी वाघा बॉर्डर से श्री ननकाना साहब जी की दूरी लगभग 104 किलोमीटर पड़ती है। ये दूरी बड़े आराम से 2.25 घंटे में पूरी की जा सकती है गाड़ी या बस के माध्यम से। मैं चाहूँगा कि इस सड़क को सेफ पैसेज बनाया जाए, दोनों मुल्कों की सरकारें मिलकर उस रास्ते को जो अमृतसर से होता हुआ लाहौर से होता हुआ ननकाना साहब जाता है उसे सेफ पैसेज बनाए, ताकि श्रद्धालु और संगत वहां जाकर खुले दर्शन कर सके। सर, अगर ये मांग पूरी होती है तो पूरी दुनिया में शांति और भाईचारे का एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, और इसके साथ साथ करोड़ों संगत की दुआएं दोनों मुल्कों की सरकारों को मिलेंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विनेश फोगाट के गांव चरखी दादरी पहुंचे, जहां उन्होंने विनेश के चाचा महावीर फोगाट से मुलाकात की और पूरी घटना पर बात भी की। दरअसल जिस वक्त विनेश की खबर आई थी उसी वक्त भगवंत मान चरखी दादरी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। खबर मिलते ही वो विनेश फोगाट के घर पहुंच गए। इस दौरान सीएम मान केंद्र सरकार से लेकर कोचिंग स्टाफ तक विनेश के साथ हुई नाइंसाफी के लिए उन्होंने गुनहगार उन्हें ठहराया। सुनिए भगवंत मान ने क्या कहा। 100 ग्राम की या कोई साहब बता रहे हैं, अगर वहाँ के जो स्टाफ है उनके साथ फिजियोथेरेपी अगर बाल ही कटवा देते, 200 ग्राम के तो बाल ही थे फिर, तो किसकी गलती रही होगी ये तो। लेकिन ये दुख इस बात का है, मैं कोई इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं नहीं चाहता स्पोर्ट्स में राजनीति आए। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहां गए हुए हैं वो किस काम के लिए गए हुए हैं? घूमने गए हैं, ऐश प्रस्तियां करने गए हैं देश के जनता के पैसे पर। क्यों नहीं उन्होंने ये मामला उठाया कि हमें एक और चांस दीजिए, दोबारा करिए। एक दिन में वो लड़की 3 मुकाबले जीत रही है, अगले दिन 100 ग्राम बढ़ा के उसको कह रहे तुम आगे नहीं लड़ोगे, तेरे पुराने मुकाबले भी कैंसिल, ये क्या हो रहा है? हमें कम से कम विश्व गुरु तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक बार भी आपत्ति नहीं उठाती। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनीता रानी ने हमारे लिए एशियाई खेलों में मेडल जीता, सुनीता रानी सुनाम से थी, उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उससे मेडल छीन लिया गया। जो बेचारी को यहाँ ढोल मटक धमाकों के साथ उसको लेके आना था वो सारा प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ गए। उसने अप्लाई कर दिया, मतलब कोर्ट में चैलेंज कर दिया, इसको अपील कर दी, 10 दिन के बाद उसका जो डोप था वो क्लियर हो गया और उसको मेडल वापस मिल गया, आजकल पंजाब पुलिस में है वो। तो कम से कम कहीं ना कहीं अप्लाई तो करें। पेरिस ओलंपिक में सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया और अब तमाम सियासी दल विनेश को अयोग्य बताने वाले फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। 100 ग्राम उनका वजन बढ़ने से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कल देश के प्रधानमंत्री जी का उसके ऊपर ट्वीट ना करना
और आज स्पेशली ट्वीट करना और फिर संसद में जिस प्रकार से मंत्री जी ने आकर बहुत सारा लंबा चौड़ा बताया, हमने पूछा डिस्क्वालीफाइड क्या हुआ, क्यों हुआ, आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर, वो नहीं बताया गया। उन्होंने बताया गया फोकाट के लिए हमने ये किया, फोकाट के लिए हमने इतने पैसे खर्चे, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जो प्रदर्शन जंतर मंतर में उन लोगों ने किया है और उसकी वजह ये डिस्क्वालिफिकेशन रही होगी। और सरकार 100 ग्राम के लिए बात कर सकती थी, अपने आप को हम बहुत बड़ी ताकत कहते हैं, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है और कहीं ना कहीं मुझे तो दाल में भी कुछ काला लग रहा है। पता नहीं ये रेसिज्म है या सरकार ने पूरा ध्यान नहीं दिया, यहाँ से ध्यान नहीं दिया गया कि उधर कुछ किया गया, जो भी है, लेकिन ये बहुत ही दुखदाई है और इसको पूरा सरकार को इसकी पहरेदारी करके इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं भूलता है कि ये विनेश फोगाट फोरफ्रंट में थी, जो रेसलर्स के साथ जो इधर उनको बैठ के उनको धरने देने गए उस लड़ाई में वो फोरफ्रंट में थी और उस टाइम भी सरकार ने उसकी कोई मदद नहीं करी थी। भारत को ओलंपिक में हॉकी में भी मेडल की उम्मीद है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत का स्पेन से मुकाबला होगा और हॉकी के सेमीफाइनल में भारतीय टीम जर्मनी पर जीत दर्ज करने से चूक गई थी, लेकिन ओलंपिक से रजत पदक आने की उम्मीद अभी बनी हुई है। लड़कर हारे, जर्मनी ने मैच जीता लेकिन हिंदुस्तान ने दिल जीता। गोल्ड की उम्मीद टूटी, ब्रॉन्ज की आस अब भी बरकरार। 60 मिनट तक जर्मनी और भारत के बीच शह और मात का खेल चलता रहा। टिकट टू फिनाले की इस जंग में हालांकि बाजी जर्मनी के हाथ रही, लेकिन हरमनप्रीत एंड कंपनी ने जिस अंदाज में जर्मनी को टक्कर दी उसके गवाह करोड़ों फैंस बने। हिंदुस्तान को इस टीम के जज्बे पर फक्र है। मुझे कॉन्फिडेंस है हर एक खिलाड़ी प्लेयर्स आज के मैच से कम बैक करेंगे और ब्रॉन्ज मेडल जो स्पिन के साथ होने जा रहा है उसमें बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। देश के लिए रिपीट डेफिनेटली करेंगे ब्रॉन्ज मेडल और सीजेस के लिए भी डेडिकेट करेंगे, मुझे उम्मीद है। दोनों टीमों के बीच आखिरी कुछ मिनटों तक मैच 2-2 गोल की बराबरी पर था, लेकिन खेल खत्म होने से महज कुछ मिनट पहले जर्मनी ने गोल दाग दिया। इस तरह जर्मनी 3-2 से मैच जीतने में कामयाब रही। जर्मनी की ओर से गोंजालो पिलेट ने 18वें, क्रिस्टोफर रूहर ने 27वें और मार्को मिल्टकाओ ने 54वें मिनट में गोल किए। वहीं भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह ने 7वें और सुखजीत सिंह ने 36वें मिनट में गोल किए। अब फाइनल में जर्मनी गोल्ड के लिए हॉलैंड से भिड़ेगी, लेकिन भारत के लिए अब भी एक मेडल की उम्मीद बरकरार है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत और स्पेन के बीच गुरुवार को टक्कर होगी। ऐसे में हर हिंदुस्तानी को ये भरोसा है कि हॉकी टीम स्पेन को मात देगी और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर गोलकीपर श्रीजेश को शानदार विदाई देगी। पंजाब में ड्रग्स पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार ऑपरेशन ईगल चला रही है और इसी कड़ी में आज फरीदकोट पुलिस ने शहर और गांव में ऑपरेशन ईगल चलाया। नशा तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने गई फरीदकोट में सोलह हॉटस्पॉट्स को चिन्हित किया गया था पुलिस की तरफ से, जहां पुलिस के आला अधिकारियों ने फोर्स के साथ दबिश दी और इस दौरान NDPS एक्ट के तहत 5 मामले भी दर्ज कर लिए गए। एक दिन पहले ही फरीदकोट की सेंट्रल मॉडर्न जेल में भी पुलिस के द्वारा इस तरह का सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। देखिए, कासो ऑपरेशन चल रहा है आज हमारा। मानजोग CM साहब जो हैं हमारे, उनकी हमें सख्त हिदायतें हैं कि नशों के खिलाफ हमें बहुत एक सख्त एक्शन लेना है। उसी की लड़ी के तहत DG सर और स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर, उनके इंस्ट्रक्शंस हेट आज हम ऑपरेशन ईगल हम आज चला रहे हैं और इसमें जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, रेंज ऑफिसर्स हैं, अभी DIG फरीदकोट रेंज सर अभी खुद आके गए हैं, यहाँ मैं यहाँ पर खुद खड़ी हूँ और हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स आज प्री आइडेंटिफाइड ड्रग हॉटस्पॉट्स पे एक रेड्स कर रहे हैं। वहाँ पर जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके घरों पे रेड हो रही है, कुछ जो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स हैं उनको सीज किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन सा ड्रग पेडलर किस प्रॉपर्टी पे बैठा है, ताकि आगे उसके प्रॉपर्टी फॉर फीचर के लिए हम प्रोसेस इनिशिएट कर पाए।
मोहाली में फर्जी कंपनी और आईडी के नाम पर चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कॉल सेंटर से 21 लोगों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार किए गए 21 आरोपियों में से 4 सरगना और 4 महिलाएं शामिल हैं। इस रैकेट में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिनसे 2 को मोहाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से 3 दिन की पुलिस हिरासत में उन्हें भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये लोग फर्जी लिंक भेजकर लोगों के बैंक खातों से पैसों को ऐंठने का काम कर रहे थे। मोहाली पुलिस ने एक इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन के तहत 21 पर्सन हमने अरेस्ट करे हैं, जो कि एक इलीगल साइबर एक सेंटर चला रहे थे, जिसमें कि अमेरिकन नेशनल्स के साथ में फ्रॉड करके वो उनको ठग रहे थे। इसमें जो 21 हैं उसमें 4 तो अफ्रीकन नेशनल्स हैं, बाकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से हैं, कुछ वेस्ट बंगाल से भी हैं, कुछ पंजाब से भी हैं, कुछ राजस्थान से, बिहार से भी हैं, तो सारे कई सारे स्टेट से हैं। 17 मेल हैं, 4 फीमेल्स हैं, और ये इनका मॉडस ऑपरेंडी यही था कि एक एज पुलिस ऑफिशियल या कस्टम ऑफिशियल बन के जो अमेरिकन हैं उनको कॉल करते थे, और उनको यही आगे बोलते थे कि मैक्सिकन बॉर्डर पे आपका ऐसे ऐसे पार्सल पकड़ा गया है और उस पार्सल में ड्रग्स है, अगर आपने नहीं भेजा है और आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको हम एक URL भेज रहे हैं, आप अपनी इस पर इन्फॉर्मेशन दे दीजिए ताकि आप क्लियर हो जाए। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।